जब हम कोई भी मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं उस कंपनी या उस ब्रांड का लोगो। किसी भी कंपनी या ब्रांड का जो पहचान है वो होती है उसका लोगो। नमस्कार, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 टेक में और आपके साथ मैं हूं प्रतीक मिश्रा। कभी ना कभी आपके मन में ये ख्याल जरूर आता होगा कि एप्पल कंपनी का लोगो एक कटा हुआ सेब क्यों है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? तो आइए आज हमारी इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि क्या है एप्पल कंपनी के लोगो यानी कटे हुए सेब की कहानी। अमेरिकी कंपनी एप्पल की स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुई थी, जो कि स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वेन ने की थी। शुरुआत में इन तीनों का मकसद बस पर्सनल कंप्यूटर बनाना था। वक्त और तकनीक के साथ साथ एप्पल की पहचान भी समय समय पर बदली। अगर हम बात करें एप्पल के पहले लोगो की तो वो थी आइज़ैक न्यूटन की तस्वीर, जिसमें वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तस्वीर उस घटना को बयां कर रही थी जिसने न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण खोज के लिए प्रेरित किया। पहले लोगों को 300 संस्थापकों में से एक रोनाल्ड वेन ने 1976 में ही तैयार किया था, लेकिन वो स्थापना के 2 हफ्ते बाद ही कंपनी से अलग हो गए थे। पर स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक ने 1 साल तक वही लोगो रखा, फिर साल 1977 में इसे बदलने का फैसला किया। कंपनी का नया लोगो खोजते हुए स्टीव जॉब्स को कंप्यूटर वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग का ख्याल आया। ये लोगो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था। एलन ट्यूरिंग की कहानी तब की है जब यूएस में होमोसेक्सुअलिटी गुनाह था। होमोसेक्सुअल होने की वजह से ही एलन ट्यूरिंग दोषी ठहराए गए थे। उनका इलाज करने के लिए उन्हें केमिकल ट्रीटमेंट देना तय किया गया और इसी के चलते साइनाइड इंजेक्टेड एप्पल खाने के लिए दिया गया। केमिकल ने अपना असर दिखाया और ट्यूरिंग की मौत हो गई। एलन के शव के पास से एक चखा हुआ सेब बरामद हुआ था। कहा जाता है कि सेब ही एक ऐसा फल है जिसकी आकृति कटने के बाद भी उसकी पहचान नहीं बदलती, और यही वजह थी कि कटे हुए सेब को एप्पल कंपनी ने अपना लोगो बनाया। तो अभी आपने देखा कि कैसे एक कटा हुआ सेब बना एप्पल कंपनी का लोगो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट 9 टेक में फिलहाल के लिए इतना ही।